नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnabhi.com। हर दिन सीखो कुछ नया। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत जल्द फ्लिपकार्ट पे दी बिग बिलियन डे आने वाली है। इसी के साथ साथ अमेजोन पे दी ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल आने वाली है, जो कि अक्सर दुर्गा पूजा और दिवाली के आसपास आती है हर साल। तो हम सभी जानते हैं कि इस सेल पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट सबसे सस्ते दाम में मिल जाती है, विद लॉट्स ऑफ अमेजिंग ऑफर्स एंड डिस्काउंट। तो अगर आप इन्हीं सेल के दौरान एक बेस्ट गेम पैड अपने पीसी या फिर अपने स्मार्टफोन के लिए खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं द बेस्ट गेम पैड टू बाय ऑन दिस सेल। तो हालांकि मेरे पास 3 डिफरेंट गेम पैड है जो कि मोस्ट सेलिंग एंड वन ऑफ द बेस्ट गेम पैड है। तो सबसे पहला हम रिव्यू करेंगे क्वांटम पीसी गेम पैड का, जो कि सबसे सस्ता गेम पैड आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इसके बाद हम रिव्यू करेंगे रेड गियर स्मार्ट लाइन गेम पैड का, जो थोड़ी महंगा है लेकिन इसे बहुत सारे आपको एडिशनल फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और एट द एंड हम रिव्यू करेंगे कॉस्मिक बाइट वायर्ड पीसी गेम कंट्रोलर का, जो थोड़ा महंगा है लेकिन ये गेम पैड अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलती। तो इन सभी गेम पैड के बारे में हम जानेंगे वन बाय वन, कौन सी गेम पैड आपको लेना चाहिए, कौन सी गेम पैड आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो भी प्रोडक्ट रिव्यू करता हूं वो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं होता, मतलब कि सारे के सारे प्रोडक्ट मैं खुद से परचेस करता हूं, उसके बाद उसका रिव्यू करता हूं। तो सारे के सारे रिव्यू 100% जेन्युइन होता है। तो इसीलिए आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है, अगर आप इस गेम पैड को ऑनलाइन परचेस करना ही चाहते हैं, देन प्लीज परचेस इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, जहां से अगर आप परचेस करते हैं तो ये गेम पैड आपको सबसे सस्ते दाम में तो मिल ही जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को हो जाएगी और इन फ्यूचर ऑन योर रिक्वेस्ट और भी नए प्रोडक्ट रिव्यूज में आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला दी क्वांटम पीसी गेम पैड से। दोस्तों अगर आप एक सबसे सस्ता दाम, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और आप कम दाम में एक पीसी गेम पैड लेना चाहते हैं, तो ऑन डेट कंडीशन आप इस क्वांटम पीसी गेम पैड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये एक सबसे सस्ता, इससे सस्ता गेम पैड आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेगी। तो अगर आप सबसे सस्ता गेम पैड लेना चाहते हैं अपने इस पीसी के लिए, तो आप ये जो गेम पैड है वो ले सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, तो इसकी एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं कि इस पे क्या क्या आपको एडिशनल बेनिफिट जो देखने को मिल जाती है। एडवांटेजेस नंबर वन, ये जो गेम पैड है वो वाइब्रेशन सपोर्ट करती है, लेकिन इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वाइब्रेशन कैसे एनेबल करना है इस गेम पैड पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट पे लिख के बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा ऑन योर रिक्वेस्ट। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज नंबर वन ये है कि ये सिर्फ डायरेक्ट इनपुट सपोर्ट करता है, ये जो गेम पैड है वो एक्स इनपुट सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों अभी के जो इतने भी लेटेस्ट गेम्स आ रही है, जैसे कि फीफा 18, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3, ब्लैक ऑप्स 4, फार क्राई 5, द राइज ऑफ टॉम राइडर, रेनबो सिक्स एज, ये सभी गेम्स जो होती है वो बाय डिफॉल्ट एक्स इनपुट सपोर्ट करती है। तो अगर आप एक बेस्ट गेम पैड लेना चाहते हैं जो एक्स इनपुट सपोर्ट करता है, तो ये गेम पैड आपके लिए नहीं है। लेकिन वो सारे गेम्स आप इस गेम पैड के हेल्प से भी खेल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको कुछ सेटिंग जो है वो आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा, हर एक बटन के लिए आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा, क्योंकि विदाउट दैट आपको बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा बटन से क्या कंट्रोल होता है। ओके, तो आप इस गेम पैड से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको मैन्युअली सारे के सारे सेटिंग जो है वो कॉन्फ़िगर करना होगा। तो ये था डिसएडवांटेज नंबर वन। इसका सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस गेम पैड को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओटीजी केबल, तो ये जो गेम पैड है वो सपोर्ट नहीं करता। मतलब ये जो गेम पैड है बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ पीसी गेम्स के लिए। और एक बेस्ट पार्ट, इस गेम पैड का सबसे बेहतरीन चीज मुझे ये लगा कि ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग गेम पैड है। इस गेम पैड को मैं लगभग 1 साल से यूज कर रहा हूं और आज तक मुझे इस गेम पैड पे एक भी प्रॉब्लम जो है वो देखने को नहीं मिली। सारे के सारे बटन, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली काम करता है। देख, जितने भी रिक्वायरमेंट बटन होती है ना, सब के सारे बटन आपको इस गेम पैड पे देखने को मिल जाती है। और मुझे आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ इस गेम पैड से कोई भी गेम खेलने में। आई एम एबल टू प्ले एनी गेम्स, यहाँ तक कि फीफा 18 भी इस गेम पैड से मैं बहुत ही आसानी से खेल सकता हूँ। हालांकि उसके बटन मुझे मैनुअली कॉन्फिगर करना होता है और मैं कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं द सेकंड गेम पैड की ओर, और वो है रेड गियर स्मार्ट लाइन गेम पैड।
दोस्तों ये गैम्फेट भी आपको बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाता है, लेकिन क्वांटम से अगर हम कंपेयर करें तो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद इस गैम्फेट में बहुत सारी एडिशनल फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहला एडवांटेज इस गैम्फेट का ये है कि ये एक्स इनपुट एंड डायरेक्ट इनपुट दोनों ही सपोर्ट करता है। अगर आप एक सबसे सस्ता वाला गैम्फेट लेना चाहते हैं जो एक्स इनपुट एंड डायरेक्ट इनपुट दोनों ही सपोर्ट करता हो तो आप रेडगर स्मार्ट लाइन गैम्फेट के साथ में जा सकते हैं। नाउ द एडवांटेज नंबर टू कि ये जो गैम्फेट है ये वाइब्रेशन सपोर्ट करती है, लेकिन इसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नाउ लेट्स लुक एट द एडवांटेज नंबर थ्री। ये जो गैम्फेट है आपके पीसी पे तो सपोर्ट करता ही है, इसी के साथ साथ आपकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट करता है। बस इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा ओटीजी केबल जो है आपको कनेक्ट करना पड़ता है। Got it? तो ये था तीन एडवांटेजेस ऑफ दिस गैम्फेट। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत सारे गैम्फेट की एडवांटेजेस होती है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो इस गैम्फेट का मुझे बस एक ही डिसएडवांटेज लगा कि इसकी बटन जो है आप थोड़ी यूज करने के बाद काफी टाइट हो जाती है, मतलब थोड़ा हार्डली अगर प्रेस करते हैं तभी वो काम करता है। तो हालांकि एज ऑफ नाउ जितना भी बटन आपका यहाँ पे देख रहे हैं एनालॉग बटन, ये सभी बटन तो प्रॉपरली काम करता है। यहाँ पे देखिए L1 R1 जितने भी बटन है सभी प्रॉपरली काम करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बस अगर मैं बी बटन को प्रेस करता हूँ ना तो मुझे थोड़ा हार्डली प्रेस करना पड़ता है तभी काम करता है, और अगर मैं लाइटली प्रेस करता हूँ तो बहुत सी बार ये काम जो है वो नहीं करता। तो बहुत सारे गेम खेलने में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है। अदर देन डैट सभी ईच एंड एवरीथिंग इस गैम्फेट का सबसे बढ़िया है। तो क्या आपको क्वांटम का गैम्फेट लेना चाहिए या फिर रेडगर का गैम्फेट लेना चाहिए? तो मैं आपको रेडगर का गैम्फेट ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये जो गैम्फेट है आपका एक्स इनपुट डायरेक्ट इनपुट सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि आपकी स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट करता है। तो बहुत से एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाती है। हालांकि ये बटन में काफी समय बाद, जैसे नया नया रहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन काफी समय के बाद आपको थोड़ी दिक्कत तो मिल जाती है। मतलब अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वांटम थोड़ी स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू रेडगर। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग गैम्फेट लेना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट इनपुट से खुश हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका गैम्फेट जो है स्मार्टफोन के लिए नहीं चाहिए सिर्फ पीसी के लिए चाहिए, तो आप क्वांटम गैम्फेट के साथ में जा सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी गैम्फेट की ओर, जो है कॉस्मिक बायट वायर्ड पीसी गेम कंट्रोलर। सेम गैम्फेट आपको वायरलेस में भी मिल जाती है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो थोड़ी महंगी होती है। हालांकि दूसरे गैम्फेट से हम कंपेयर करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वांटम हो या रेड गेयर, अगर आप उनसे कंपेयर करें तो उसका प्राइस थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो आप थोड़े ज्यादा पैसे अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस गैम्फेट के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि एकमात्र एक ऐसा गैम्फेट है जो आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं देता। इसमें वो सारे के सारे फीचर्स है, सारे के सारे वो गुण है जो एक नए गेम्स के लिए, जो एक नए गैम्फेट पे होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको सारे के सारे फीचर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आखिर क्या बात है कि मैं इस गैम्फेट की इतनी तारीफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि ये एक गैम्फेट है जो आपकी एक्स इनपुट एंड डायरेक्ट इनपुट दोनों ही सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस नंबर टू, ये गैम्फेट आपका वाइब्रेशन भी सपोर्ट करता है, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आप इस गैम्फेट को अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट कीजिए और आप कोई भी लेटेस्ट गेम खेलेंगे जिससे वाइब्रेशन सपोर्ट करता हो, देन डेफिनेटली ये गैम्फेट आपका उस पर जो वाइब्रेशन है वो सपोर्ट करेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसी के साथ साथ द एडवांटेजेस नंबर थ्री, ये जो गैम्फेट है आपकी स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट करता है। पीसी पे तो सपोर्ट करता ही है, इसी के साथ साथ स्मार्टफोन पे भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन पे पबजी वगैरह खेलना चाहते हैं तो आप इस गैम्फेट के हेल्प से बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। एडवांटेजेस नंबर फोर, ये जो गैम्फेट है इसमें बहुत सारी LED जो आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आपकी गैम्फेट की लुक जो है वो काफी अमेजिंग लगती है रात के समय। एडवांटेजेस नंबर फाइव, इस पे आपको एक एक्स्ट्रा टर्बो बटन भी देखने को मिल जाता है जो लेटेस्ट स्मार्टफोन गेम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा एग्जैक्टली क्या काम होता है इस टर्बो बटन का। एडवांटेजेस नंबर सिक्स, आपको यहाँ पे देखिए गियर वाला बटन मिलता है, तो जिसकी हेल्प से अगर आप कोई भी शूटिंग गेम या फिर कार रेसिंग गेम खेलते हैं तो इससे आपको काफी अच्छी फीलिंग जो है वो देखने को मिलती है। देख सकते हैं बिल्कुल गियर वाली सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे, तो काफी मजा आता है इससे गेम खेलने में। और क्या एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं इस गैम्फेट के, मतलब जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो अगर आप एक बेस्ट परफेक्ट गैम्फेट लेना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिसपे सारे के सारे अवेलेबल फीचर्स हो, तो आप डेफिनेटली कॉस्मिक बायट वायर्ड पीसी गेम कंट्रोलर के साथ जा सकते हैं।
तो चलिए मैं आपको इस गैम्पेट की एक झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए आखिर ऐसी क्या बात है इस गैम्पेट पे जो मैं आपको कि मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ। तो इसका सबसे अच्छा बात और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, देखिए बाय डिफॉल्ट ये तो स्मार्टफोन के लिए बनाया गया है, अगर आप इसे अपने पीसी पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको आपको इसके लिए एक एक्स्ट्रा केबल भी दिया गया है, जैसे ओटीजी केबल, इतने लंबा ओटीजी केबल आपको देखने को मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप अपने गेमपैड को पीसी में खेल के अपनी कंप्यूटर गेम्स जो है वो खेल सकते हैं। और सभी के सभी लेटेस्ट गेम जो है ये गेमपैड सपोर्ट करता है, जैसे कि फीफा 18, राइज ऑफ टॉम राइडर, फार क्राई 4, फार क्राई 5, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3, ब्लैक ऑप्स 4 अभी जो आने वाली है डेफिनेटली उस पर भी सपोर्ट करेगा। तो जितनी भी लेटेस्ट गेम है मैंने ऑलमोस्ट सभी पे ट्राई किया है और ऑन ऑल ऑफ दोस गेम्स ये जो गेमपैड है बहुत ही बढ़िया तरीका से काम जो है वो करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बेहतरीन लुक जो है वो इस गेमपैड का लग रहा है। तो अगर आप एक बेस्ट गेमपैड लेना चाहते हैं बिलो 1000 रुपीज, देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो विद दिस कॉस्मिक बाइट वायर्ड पीसी गेम कंट्रोलर, क्योंकि ये एक ऐसा गेमपैड है जहां आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलता और सारे के सारे गेम्स पे जो गेमपैड है मक्खन की तरह काम जो है वो करता है। तो दोस्तों अगर आप इनमें से कोई भी गेमपैड लेना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाएगा। तो अगर आपको खरीदना ही है देन प्लीज परचेस इट फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो, इससे आपको सारे के सारे गेमपैड सबसे सस्ते दाम में तो मिल ही जाएंगे। इसी के साथ साथ थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को हो जाएगी और इन फ्यूचर आपके रिक्वेस्ट पे और भी नए नए प्रोडक्ट रिव्यूज में लेके आता रहूंगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ठीक यहाँ पे क्लिक करके चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।